हेलो जी बताइए सर। जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम, मैं एमपी से बात कर रहा हूँ। जी जी मैम, मुझे सर से बात करनी है, थोड़ी प्रॉब्लम है मैम मुझे। बात कर लीजिए सर। बात हो रही है सरफराज, बताइए क्या बात है। जी सर, मुझे पिछले 3 महीने से मेरे कमर के पीछे वाले हिस्से में और मेरे लेफ्ट एंड राइट दोनों पैरों के सर जांघ के पास से सर नसें खिंचा सी गई हैं सर, मतलब खिंचाव आ गया है सर, मेरे दोनों पैरों में बहुत दर्द होता है सर। कोई वेट लिफ्टिंग करते हैं सरफराज आप? नहीं सर, वेट लिफ्टिंग नहीं करता हूँ सर। मैं एक दफा सर बैठ रहा था सर, उखड़ू तो मेरे को ऐसा लगा मेरे पैर के पास से कुछ खिंचाया सर, और सर सर मेरे को बहुत पूरे पैर में पेन रहने लगा और पूरे जांघ के राउंड पे पूरा पेन रहता है सर मुझे दोनों पैरों में सर। उम्र कितनी है? सर मेरी 30 साल उम्र है सर। ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो आपका वजन उठाना मना है और उकड़ू बैठना मना है। जो पैरों के बल आप बैठे थे ना, वैसे बैठना मना है और वजन उठाना मना है। ये दो बातों का ख्याल रखें। और लेटरिन यानी जो हमारा शौचालय हो आपके लिए खास तौर पर, तो ऐसा हो कुर्सी वाला शौचालय, जिसे वेस्टर्न टॉयलेट कहते हैं। ये तीन बातों का आप 1-2 महीने तक ख्याल रखना। और गौन स्याह असली खरीदे, नकली बहुत आता है। गौन स्याह असली, इसे काला गौन भी कहते हैं। गौन स्याह हम कहते हैं, असली ले लें। बस 100 ग्राम भी मिल गया तो आप समझ लीजिए कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ये आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद खा लीजिए। कड़वा बहुत होता है और नकली बहुत मिलता है। असली लेने की जिम्मेदारी आपकी, और बहुत एहतियात करें, वजन ना उठाएं और ज़मीन में उकड़ू ना बैठें। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, 2 टाइम आधा आधा ग्राम गौन स्याह खाएं। बालाई में मिला खाएं, मलाई आती है ना, या देसी घी में मिला कर खिला खा लें। और जल्दी से खा के पानी या दूध पी लें। बस ये खाना शुरू कर दें, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।